नमस्ते कुकपैड के सभी दोस्तों को मेरा हार्दिक नमस्ते। आज थोड़ा इंटरनेट कुछ इश्यू हो गया था, इस वजह से हम लाइव आने में हमें थोड़ी देर हो गई है, पर उम्मीद है कि अब हम आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। पूनम जी ने मुझे कुकपैड पर इन्वाइट किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मनीषा है, मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। और आप लोगों को जो भी डे टू डे की लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें मैं आपकी थोड़ी मदद भी कर सकती हूँ। कल योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, तो मैं आप सबको इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। और थोड़ा हम लेट हो गए हैं, पर मैं आपको आज एक सिंपल सी रेसिपी भी बताऊँगी, प्रोटीन चाट या प्रोटीन सैलेड कह सकते हैं आप उसको। बहुत ही सिंपल है और इसको आप कुछ ही मिनट में बना सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ तैयारी करके रखी है, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये कुछ मिक्स बीन्स हैं और इसमें चने हैं, काले चने, सफ़ेद चने और राजमा, राजमा के अलावा सोयाबीन है, और सोयाबीन के साथ इसमें लोबिया है और हरी मटर या सफ़ेद मटर है। तो इसकी आज हम चाट बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसमें प्रोटीन बहुत है, आयरन है। इसके अलावा अभी हम इसमें स्प्राउट्स ऐड करेंगे और सैलड स्प्राउट्स वो ऐड करेंगे, तो ये काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बोल लेते हैं, बोल में हम पहले ये बीन्स, चने और ये सारा कुछ हम मिला दीजिए। थोड़ी तैयारी करके रखी हुई है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये प्याज हैं थोड़े से, एक कटोरी, ये लगभग चार लोगों के लायक है। और इसमें चार चार बड़े चम्मच सारी चीज़ें मैंने रात में चार पाँच घंटे भिगो करके फिर इसको आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो इसमें आप थोड़े प्याज मिलाइए, थोड़ा कटा हरा धनिया, ये हरी मिर्चा और अदरक है, ये मिलाइए। ये कच्चे आम है, कच्चे आम को मैंने ग्रेट करके रख लिया है, इसको आप इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा, कच्चा आम इस समय गर्मियों में मिलता है बहुत अच्छे से, और ये इसमें विटामिन सी बहुत होता है और ये फायदा बहुत ज्यादा करता है। अगर आप मान लीजिए ठंड का दिन है तो आप इसमें सर्दियों में आंवले को ग्रेट करके मिला सकते हैं। ये कुछ कटे हुए खीरे मैंने रखे हुए हैं, ये ऐड कर दीजिए आप। इसके बाद फिर ये लाइम जूस है, अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसको भी मैंने मिला दिया है। इसके अलावा खाने में नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, और इसमें मैं थोड़ा सा ये मैंने इसकी पुदीने की और आम की चटनी बना करके रखी हुई है, तो ये चटनी आप दो चम्मच तीन चम्मच जितना भी आपको अच्छा लगे आप मिला सकते हैं, इसको ऐड करिए। और नमक चूँकि चटनी में ऑलरेडी है तो हम इसमें थोड़ा कम डालेंगे, और ये थोड़ा सा नमक हम इसमें मिलाएंगे, थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएंगे ज़रा सा, ये आपका काला नमक हो गया, थोड़ा सा जीरा पाउडर आप ज़्यादा डालेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, जीरा पाउडर मैंने काफ़ी सारा ले रखा है, ये मैं सारा मिला दूंगी। इसके बाद ये मैंने घर में ही मूंग दाल को भिगो के स्प्राउट करके रखा हुआ है, इसको आप ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल रेसिपी है, फटाफट बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो गया तो हमें आने में लेट हो गई, उम्मीद है आप लोग ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे मुझसे, पर कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप लोगों के कुछ सवाल हो लाइफस्टाइल से संबंधित, और जैसे बहुत से लोगों का जो वर्क है वो सारा दिन बैठने का होता है, लैपटॉप पे काम करते हैं, फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अगर आपको कोई इशू हो तो आप पूछ भी सकते हैं। बस ये देखिए मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया और ये बहुत टेस्टी लगता है। जब भी संभव हो, जितना भी संभव हो, आप इसमें जो सीजनल चीज़ें वो मिलाइए, थोड़ा हरा धनिया हम डालेंगे, ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा देती हूँ, ठीक,
ये हमारी चाट बिल्कुल रेडी है, बहुत पौष्टिक है। बच्चों को अगर ये आप खिलाएंगे तो उनकी लंबाई बढ़ेगी, उनके अंदर आयरन की कमी नहीं होगी और साथ के साथ प्रोटीन बहुत है, क्योंकि इसमें राजमा भी है, सोयाबीन भी है, लोबिया भी है, काले चने और सफेद चने भी हैं, और आप सफेद मटर या हरी मटर जो सूखी होती है उसको भी मिला सकते हैं। बस अब आप इसको एक सर्विंग बोल में निकालें। आप इसमें क्रंच के लिए थोड़ी भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली को भून करके उसके छिलके उतार के हल्का सा क्रश कर लीजिए उसको, और उसमें भुनी हुई मूंगफली को डाल दीजिए। बस ये आपका हरा धनिया हो गया, हरा धनिया से सजा दिया हमने। ओके, आपको दिख रहा होगा, ये अच्छा ही दिख रहा होगा। बस रेडी है हमारी सैलेड, चाट जो भी कह लें, उसको एंजॉय कीजिए आप। एक बार और देखना चाहे तो मैं दिखा देती हूँ। चलिए अब मैं ये सारी चीजें तैयारी कर देती हूँ फटाफट। आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू बीच बीच में आ रहा है, बट मेरे ख्याल से जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि दिख रहा होगा। अब मैं आराम से बैठ के आपसे बातें करूंगी। अब आपने कुछ सवाल बताना चाहें तो बताएं, पूछिए आप मुझसे। होता क्या है कि आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, आप सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, लेट नाइट ज़्यादातर लोग जागते हैं और फिर कहते हैं नींद नहीं आती है तो हम क्या करें। तो एक तो सबसे पहला काम ये करिए कि मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे तो माइंड रिलैक्स रहेगा। सोने के पहले आधे घंटे पहले अपने मोबाइल को उठा करके किसी टेबल पर साइड में रख दीजिए, हो सके तो कमरे के बाहर रख दीजिए। और उसके बाद देखिए कोई किताब उठा लीजिए, उसको पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और आजकल देख लीजिए जिस तरीके की लाइफस्टाइल है, आप लोग सोचते हैं बाहर का खाना खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, अनबन बाहर का चलो इजी है, ऑर्डर कर दिया, बहुत इजी है आजकल तो, इतने सारे ऐप आ गए हैं, आप प्रोडक्ट से ऑर्डर करिए और खा लीजिए। लेकिन इसके बजाय हम घर में भी कुक फूड जो होता है वो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक चाट दिखाई, तो घर में अगर आप शक्करकंदी उबाल करके रख लेते हैं, उसके अलावा ये चने आप रोज भिगोते हैं, स्प्राउट्स का इस्तेमाल रोज करते हैं, तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत ऐसी होने वाली नहीं है। उसके अलावा आप नाश्ते में, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी नई चीज़ें आप बना सकते हैं। एक तो खाने में मूंग दाल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, स्पेशली छिलके वाली मूंग दाल। छिलके वाली मूंग दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और जब आप उसको होल, जो पूरी दाल है, साबुत दाल को आप जब स्प्राउट कर देते हैं तो उसमें विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो अंकुरित अनाज है, जो भी आप खा रहे हैं, मूंग दाल खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, उसको आप पकाए ना। अगर जैसे आप आग पर चढ़ाते हैं तो विटामिन ई जो है उसका वो ख़त्म होने लगता है। उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछें। फिलहाल अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें, जो स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है आपकी, आपको कई लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, कई लोगों के बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, तो उनकी चॉइस नहीं होती है और उनको रात में जग करके काम करना पड़ता है, तो उसमें उसके लिए ये करना चाहिए कि आप ये देखें कि ठीक है रात में आप काम कर रहे हैं पर दिन में आपको कितनी प्रॉपर नींद मिल सकती है। थोड़ा सा एफर्ट करिए और सोइए, दिन में कम से कम 6 घंटे की नींद आपको मिलनी ही चाहिए। आजकल शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, ओबेसिटी तो हो ही गई है, हर तीसरी महिला परेशान है कि मैं मोटी हो रही हूँ, तो आपकी लाइफ में फिजिकल वर्क कम हो गया है, ये सभी मानते होंगे कि। और उसके अलावा हमको लगता है कि हमें घूमना टहलना एक्सरसाइज करना थोड़ा भार लगने लगता है, तो अच्छा होगा कि इसको दवा खाने से बेहतर है कि थोड़ा सा हम एक्सरसाइज पर ध्यान दें। योग के लिए है कि आपको बहुत ही आसान है, योग में अब पूरी दुनिया योग से जुड़ गई है, योग का मतलब ही जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से जुड़ना पड़ता है। आप देखिए कि कहाँ आप लैक कर रहे हैं, कहाँ कमी है, थोड़ा सा सुधार करिए अपनी लाइफस्टाइल में। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो उसको थोड़ा सा अर्ली कर लीजिए, 10:30 बजे सो जाइए, सुबह 7 बजे उठते हैं तो थोड़ा 6 बजे उठ जाइए। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है,
तो टाइम तो आपके पास बहुत ज्यादा है, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि आप बहुत सारी चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं लेकिन अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए समय निकालें। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि सुबह आप कैसे भी करके कम से कम 30 मिनट 35 मिनट वॉक के लिए जरूर जाएं। अगर वॉक के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर में ही कुछ एक्सरसाइजेस हैं। घर में एक्सरसाइज करना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम छोटी छोटी एक्सरसाइज से शुरू करें। पहले दिन आपने पता चला कि आप जाकर के 3 किलोमीटर दौड़ करके चले आए और उसके बाद थक गए, भाई अगले दिन हमारी हिम्मत नहीं। आप जाइए शुरू में घड़ी देख करके धीरे धीरे आधा घंटा टहलिए, फिर अगले दिन आप जाइए तो एक एक वॉक करिए, एक जॉग करिए। उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आपको कोई डिजीज तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी एक्सरसाइज भी चुननी चाहिए। एक्सरसाइज में अगर आपको जोड़ों में कोई प्रॉब्लम है, लोग सोचते नहीं हैं, चले जाते हैं फटाक से, आप एरोबिक्स करने चले जाते हैं, जिम चले जाते हैं, ये कोई हार्मफुल नहीं है, बट आप अपनी फिजिकल कंडीशन जरूर देखिए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कई बार सर्वाइकल पेन होता है, आप जाके वेट लिफ्टिंग करने लगते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके लिए क्या सुटेबल है। योग में क्या है कि हम सबसे पहले अपनी आप शरीर की शुद्धि पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। शरीर की शुद्धि का मतलब है कि खाली ये बाहरी साफ सफाई और नहाना धोना और अपने को बाहर से साफ रखना, ये शारीरिक शुद्धि तो है, ठीक है, लेकिन आपको पहले भीतर से साफ होना पड़ता है। भीतर से साफ होने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक आप क्या खा रहे थे। आप जो खा रहे हैं वो सब आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपके पेट में जा रहा है, वो कितना हेल्दी था, वो अंततः आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। किसी को शुगर हो रहा है, किसी को आपको ये डायबिटीज के अलावा आपका हाई बीपी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल, और ओबेसिटी है, तो और हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल डिजीज से महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान है। तो हार्मोन्स को एक्टिव रखने के लिए आप क्या करते हैं? हार्मोन्स को एक्टिव रखने के लिए आपको तो थोड़ी एक्सरसाइज, दौड़ना धूपना, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। स्ट्रेस ना हो उसके लिए थोड़ी सी सावधानी कर रखिए, थोड़े से डिसिप्लिन हो जाइए। डिसिप्लिन होने के लिए कोई इतना आप बच्चे के लिए, आप लोग देखिए महिलाएं उठ जाती हैं सुबह, अभी उनका स्कूल होता है तो वो सुबह उठती हैं, उनको तैयार करेंगी, उनको भेजेंगी, बट अपने लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। शरीर की शुद्धि की क्रियाओं में जो हम जोर देते हैं उसमें होता है कि आपको जल नीति करनी चाहिए। कई लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम वगैरह होता है, एलर्जी हो जाती है, तो आप जल नीति आप सीख के, ये नहीं कि अभी आपने YouTube खोला और YouTube से देख करके आपने शुरू कर दिया, नहीं, आपको किसी अच्छे ट्रेनर से, अच्छे जो योग जानते हो उनसे आप सीखिए, उसके बाद उसको करिए। उस कुंजल क्रिया होती है, कुंजल क्रिया हाई बीपी वालों को नहीं करनी चाहिए और जिनको फूड पाइप की कोई प्रॉब्लम हो उनको नहीं करनी चाहिए। आंतों में कोई समस्या है, आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन है, तो आप कुंजल क्रिया नहीं करेंगे। कुंजल क्रिया में हम वॉमिट करने को कहते हैं कि आपके अंदर जो भी आपका, जो भी आपने गंदा कंज्यूम कर रखा है या कफ बहुत बनता है उसमें भी कुंजल बहुत फायदा करता है। तो आपको रोज 3 4 5 ग्लास पानी पी करके उसको वॉमिट करना पड़ता है। ये आप थोड़े दिन क्या आप हमेशा कर सकते हैं, हफ्ते में 2 3 बार भी कर सकते हैं। तो आंतरिक शुद्धि इसी तरह से हम उसे जोर देते हैं कि आप धीरे धीरे अपनी आंतरिक शुद्धि करें, उसके बाद फिर योग आसनों की तरफ। योग आसनों में भी सबसे पहले सूक्ष्म आसन।